श्याम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम की चमत्कारिक सीढ़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। यानी कि अगर बाबा श्याम के उस चमत्कारिक सीढ़ियों पर चढ़कर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो ऐसा माना जाता है आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। हालांकि बाबा के दरबार में जाने से और बाबा के दर्शन करने से ही ज़िंदगी सफल हो जाती है, परंतु अगर आप बाबा के सिंह द्वार से होते हुए 13 सीढ़ियों से होते हुए बाबा के दर्शन करते हो तो ऐसा माना जाता है बाबा श्याम अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखते हैं, क्योंकि बाबा श्याम का सबसे पुराना रास्ता तो वही था। श्याम के जब दर्शन करने के लिए लोग पहले हटू आया करते थे तो उसी द्वार से होते हुए बाबा के दर्शन करते थे और दूर से ही बाबा के अद्भुत दर्शन हो जाया करते थे। तो श्याम भक्तों, उन सभी सीढ़ियों का अपना अपना एक अलग महत्व है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उस प्रत्येक सीढ़ियों का महत्व के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि उस सीढ़ियों पर किस प्रकार से चढ़कर बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर के विस्तार होने से पहले वो 13 सीढ़ियाँ आपको दिखाई देती थी, परंतु जब मंदिर का विस्तार हो चुका है तो बाबा श्याम की उस 13 सीढ़ियों की जगह एक समतल स्थान को बना दिया गया है, परंतु श्याम भक्तों, उसका महत्व वैसा ही है जैसा कि पहले था। बाबा श्याम से आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर रहती है, तो बाबा श्याम सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही ये आपको बताते हैं कि अगर मारना चाहते हो तो अपनी बुरी इच्छाओं को मारो। यानी श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के दरबार में आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसे अवगुण हैं जिसे आपको त्याग करना चाहिए, तो पहली सीढ़ी का मतलब ये है कि जैसे ही आपने उस पर पैर रखा तो ये प्रण ले लीजिए कि आज के बाद वो सारे अवगुण को आप त्याग कर दोगे तो आपकी पहली सीढ़ी जो है वो सफल मानी जाती है। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही बाबा श्याम कहते हैं कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपने क्रोध और तृष्णाओं को जीतो। अगर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आप बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं या अपने घर में ही चिड़चिड़ेपन से या किसी से भी आप तुरंत लड़ झगड़ बैठते हैं तो बाबा श्याम कहते हैं अपने क्रोध को आपको काबू में रखना चाहिए। समझ लीजिए आपकी दूसरी सीढ़ी सफल मानी जाती है। अब बात करते हैं श्याम भक्तों तीसरी सीढ़ी की। श्याम भक्तों, जब आप तीसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हैं तो तीसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखते ही बाबा श्याम कहते हैं कि अगर तुम कुछ पीना चाहते हो ईश्वर नाम के रस को पियो। यानी कि अगर आप बाबा श्याम के दरबार में गए हैं, श्याम नाम के नाम को रटते रहे, किसी भी परिस्थिति में हो श्याम नाम के नाम को रटते रहे। अगर आप श्याम बाबा की चौथी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो चौथी सीढ़ी पर चढ़ने पर बाबा श्याम कहते हैं अगर तुम कुछ अच्छा पहनना ही चाहते हो तो नेकी का जामा पहनिए। यानी चौथी सीढ़ी पर पांव रखने का मतलब ये है कि हमें हमेशा सभी के साथ भला बर्ताव करना चाहिए, हमें हमेशा सबका भला करते रहना चाहिए। बाबा श्याम की चौथी सीढ़ी का रहस्य है। हम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की पांचवी सीढ़ी के बारे में। यानी अगर आप पांचवी सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो बाबा श्याम कहते हैं अगर तुम खाटू में आकर कुछ लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें लेना चाहिए। कई सौ किलोमीटर या कई हज़ार किलोमीटर से आप आए हैं, बाबा के दरबार आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं जी या मन्नत मांगने के लिए आए हैं, तो पांचवी सीढ़ी पर पांव रखने के बाद आपको ये प्रण लेना होगा कि सबसे पहले आपको अपने माता पिता के चरणों में अपना माथा झुकाना होगा, उनको नमन करना होगा, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तभी आपकी ये यात्रा सफल मानी जाएगी। तो माता पिता के साथ साथ अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपके पास रहना चाहिए। आप सभी तो जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में दे देते हैं, फिर उनके ऊपर कोई तकलीफ या दुख संकट आता है तो वो बाबा श्याम की शरण में दौड़े हुए चले आते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा श्याम ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी पांचवी सीढ़ी पर पांव धर रहे हो तो इस बात का विशेष ख्याल रखना कि सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, तभी मेरी इस पांचवी सीढ़ी पर खड़े होकर मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आना। अब बात करते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की छठवीं सीढ़ी के बारे में। बाबा श्याम की छठवीं सीढ़ी का क्या रहस्य है? तो श्याम भक्तों, अगर आपने छठवीं सीढ़ी पर पांव धर दिया है तो बाबा श्याम ये कहते हैं
कि आपको सदा दीन दुखियों की सहायता करते रहना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको भगवान ने किसी प्रकार से सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप अपने हिसाब से उनकी मदद कर सकते हैं, किसी असहाय प्राणी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो या ऐसा कोई भी निराश्रित प्राणी हो, उसकी मदद आपको जरूर करना चाहिए। यह बाबा श्याम छठवीं सीढ़ी के रहस्य के दौरान कहते हैं। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की सातवीं सीढ़ी के बारे में। अगर आप बाबा श्याम के द्वार पर पहुंच जाते हैं और सातवीं सीढ़ी पर पांव धर देते हैं तो बाबा श्याम क्या कहते हैं? तो बाबा श्याम कहते हैं कि आपको भविष्य में, यानी अब तक जो आपने किया सो किया, परंतु अब भविष्य में आपको पाप, घमंड और अत्याचार, ये तीन चीज़ को त्याग कर देना है। यानी बाबा श्याम के द्वार पर अगर आपने पांव रख दिया है और सातवीं सीढ़ी के ऊपर आप खड़े हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सभी पाप कर्मों से दूर रखना है, किसी असहाय या बेकसूर के ऊपर आपको अत्याचार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का घमंड आपको नहीं रखना है। ये बाबा श्याम अपनी सातवीं सीढ़ी के ऊपर पांव रखने वालों से कहते हैं। अब बात करते हैं बाबा श्याम की आठवीं सीढ़ी के ऊपर अगर आप पांव रखते हैं तो बाबा श्याम आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आठवीं सीढ़ी पर पांव रखने के बाद बाबा श्याम कहते हैं कि हमेशा आपको सत्य वचन बोलना चाहिए और मीठे वचन बोलना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं, और आज जब बाबा श्याम की उन्हें ज़रूरत पड़ी है और बाबा के द्वार पर आए हैं, तो उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें जितना अधिक हो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सच का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और साथ ही साथ सभी के साथ मीठे वचन ज़रूर बोलने चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की नौवीं सीढ़ी के बारे में। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की नौवीं सीढ़ी पर पहुँच जाते हैं तो बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आपको कुछ देखना ही है तो अपनी बुराई को देखो, यानी दूसरे की बुराई आपको नहीं देखनी है, अपनी खुद की बुराई को हमेशा हमें देखनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई जो हम अभी तक वहीं के वहीं पड़े हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, जिसके कारण से हमें बाबा के दरबार में बाबा से सहायता लेने के लिए, यानी बाबा की शरण में आना पड़ा, ताकि बाबा श्याम हमारी ज़िंदगी को सफल कर दें। तो बाबा श्याम कहते हैं, कुछ अगर देखना चाहते ही हो तो अपने अंदर जो बुराई है सबसे पहले उसको खोजो, दूसरे की बुराई को ना देखो, दूसरा जैसा कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा, परंतु जो तुम खुद कर रहे हो और दूसरों की बुराई देख रहे हो तो तुम्हारे द्वारा किए गए जो समस्त पुण्य फल हैं वो समस्त नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब श्याम भक्त तो बात करते हैं बाबा श्याम की दसवीं सीढ़ी के बारे में। यानी अगर आप बाबा श्याम की दसवीं सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हैं तो बाबा श्याम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दसवीं सीढ़ी पर पांव रखते ही बाबा श्याम कहते हैं, अब तुम्हें मेरे दर्शन होने ही वाले हैं, कि तुमने अभी नौ सीढ़ियों के रहस्य के बारे में जान चुके हो, अब तुम्हें मेरे दर्शन होने ही वाले हैं, तुम मेरी जय जयकार करो। यानी अगर तुम्हें कुछ सुनना ही है तो ईश्वर की प्रशंसा सुनो, दीन दुखियों की पुकार को सुनो। अगर कोई दीन दुखी थार कर तुम्हारे पास आता है और मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम उसकी मदद कर सको, तो उसकी मदद तुम ज़रूर करना। तो श्याम भक्तों, दस सीढ़ियों की रहस्य के बारे में आप जान चुके हैं, अब बात करते हैं ग्यारहवीं सीढ़ी के बारे में। श्याम भक्तों, ग्यारहवीं सीढ़ी के ऊपर पाँव रखते ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा श्याम कहते हैं कि आपके मन में आस्था और विश्वास ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। यानी कि जब दरबार में आप पहुंच जाते हैं तो ये आस्था और विश्वास जो है आपकी कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। यानी चाहे आस्था भगवान के ऊपर हो, चाहे आस्था अपने परिवार के ऊपर हो, आपके उस आस्था और विश्वास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं, जो कोई भक्त बाबा श्याम के ऊपर आस्था और विश्वास बनाए हुए बाबा के दरबार में आता है और इन बातों को ध्यान में रखता है, बाबा श्याम की पुकार को जल्द सुनते हैं और उसके सारे बिगड़े हुए कामों को जल्द से जल्द बनाते हैं। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की बारहवीं सीढ़ी के बारे में। तो श्याम भक्तों, जब आप बारहवीं सीढ़ी पर पहुंच जाते हो तो बारहवीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करके बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपके कुल देवता हैं उनको आपको याद करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी कि आप इन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ते हुए आप बारह सीढ़ी तक पहुँच चुके हैं, और बारह सीढ़ी पर पहुँचने के बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना है। तो श्याम भक्तों, अंधविश्वास को त्याग करना है और बाबा श्याम को समर्पित होना है। अगर आप बाबा श्याम की बारहवीं सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हैं
तो बाबा श्याम आपसे ये कहते हैं। शाम भक्तों, अंधविश्वास से मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर बाबा श्याम आपके कोई कार्य को नहीं बनाते या अगर आपके कार्य बनने में देर हो जाती है तो आपका भरोसा डगमगाने लगता है और उसके बाद फिर आप टोटकों का सहारा लेते हैं, यानी फिर आप किसी तांत्रिक के शरण में चले जाते हैं, उनसे तंत्र विद्या वगैरह करवाते हैं, टोटके करवाते हैं और न जाने कौन कौन से अंधविश्वास को आप अपनाने लगते हैं। तो जो बाबा के दरबार में आ गया है वो बाबा को ही समर्पित है, ना कि तांत्रिक को। आपको ये दृढ़ विश्वास करना होगा, जब हम बाबा की शरण में आ गए हैं तो बाबा ही हमारे रक्षक है और वही हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा मन में आपको प्रण ले लेना है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की 13वीं सीढ़ी के बारे में, यानी बाबा श्याम की जो आखिरी सीढ़ी है 13वीं सीढ़ी, यानी 13वीं सीढ़ी पर पहुंचकर तो बाबा श्याम साक्षात आपको मिलने वाले हैं, परंतु बाबा श्याम क्या कहते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्याम भक्तों, 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही आपको अपने दोनों हाथ खड़े कर लेने चाहिए और बाबा श्याम के जोर जोर से जयकारे लगाने चाहिए। तो जब बाबा समक्ष रहेंगे तो बाबा श्याम के जयकारे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। और जब आपकी आंखें बाबा श्याम की आंखों से मिलती है तो बाबा श्याम कहते हैं कि अगर तूने मेरी इन सभी बातों को ध्यान में रखा तो मैं तेरे सारे बिगड़े काम बना दूंगा, तेरे सिर के ऊपर मैं अपना हाथ रख दूंगा। तो मुझे कैसे ये विश्वास होगा कि तू मेरा सच्चा भक्त है, मेरा सच्चा प्रेमी है, इसके लिए मैं तेरी परीक्षा भी लूंगा और उस समय तुझे उस परीक्षा पर खरा भी उतरना होगा। अगर तू सारे बातों पर खड़ा उतर गया, सभी परीक्षाओं में पास हो गया, मेरा हाथ तेरे सिर के ऊपर सदा बना रहेगा। श्याम भक्तों, प्रत्येक सीढ़ियों का अपना अलग अलग महत्व है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। हो सकता है सबकी नज़र में अपना अपना इसका एक अलग महत्व हो, परंतु जो महत्व बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार मुझे मिली वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अब इस पथ पर चढ़ने से पहले आपको इन सभी बातों को समझना है या नहीं समझना है यह आपकी मर्जी है। बाकी बाबा श्याम तो सब देख ही रहे हैं क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में आप हार के गए हो। और श्याम भक्तों, मेरा मानना तो ये है कि जो इन बातों को अमल करके बाबा श्याम के दरबार में एक बार अर्जी लगा देता है, बाबा श्याम से अपनी पुकार को कह देता है, तो बाबा श्याम उसके सभी बिगड़े कामों को ज़रूर बना देते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि 13 सीढ़ी तो अब है ही नहीं, तो हम कैसे करके प्रण लें ये सारी चीज़ें? तो श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। अब जब मंदिर का विस्तार हुआ तो 13 सीढ़ियों की जगह एक फ्लैट सरफेस बना दिया गया है, परंतु 13 सीढ़ी का महत्व तो वैसा का वैसा ही है। जब खाटू धाम जब आते हैं तो खाटू धाम में वहाँ पर खड़े गार्ड से पूछ लेंगे, मुझे सिंह द्वार से बाबा श्याम के दर्शन करने, यानी ऊँचाई से दर्शन करने हैं, अगर आप नए श्याम प्रेमी हैं तो गार्ड आपको बता देगा। तो उधर से लाइन से होते हुए अब बाबा के दरबार में उस 13 सीढ़ी पर चढ़ने से पहले, यानी 13 सीढ़ी तो आपको मिलेगी नहीं, वो फ्लैट सरफेस कर दिया गया है, यानी ऊंचाई बना दी गई है और लाइनिंग कर दी गई है। तो अपने मन में ही काउंट कर लेंगे कि ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, मतलब कदम के हिसाब से गिन लेंगे, एक सीढ़ी चढ़ गए तो एक हो गए, दो सीढ़ी हो गए, तीन हो गए, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 11 करके गिन लेंगे। और गिनने के बाद जो जो मैंने बात आपको बताई है उसको अपने मन में याद रखेंगे, मन में सोचेंगे और उसके बाद बाबा श्याम के लिए जो भी भोग प्रसाद आप लाए हैं बाबा श्याम को वह 13 सीढ़ियों के ऊपर से खड़े होकर दिखा दीजिए, बाबा श्याम को भोग समर्पित कर दीजिए, बाबा श्याम आपके सभी बिगड़े कामों को बना देंगे। तो श्याम भक्तों, 13 सीढ़ी का जो रहस्य मैंने आपको बताया है ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। अगर आप 13 सीढ़ी पर नहीं भी चढ़ते हैं तो भी आपको अपने जीवन में इन सारी सच्चाइयों को अपनाना होगा। अगर आप इन सारी सच्चाइयों को अपनाते हैं तो देखिएगा श्याम भक्तों, आपको खाटू धाम जाने की भी जरूरत नहीं होगी, बाबा श्याम का ध्यान मात्र कर लेने से बाबा श्याम आपके सारे बिगड़े कामों को बना देंगे। ऐसी शक्ति है, ऐसी महिमा है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।